हाँ तो मिसेस प्रिया बकुल। प्रिया बकुल नहीं डॉक्टर, सिर्फ प्रिया। लेकिन पहले तो आपने मिसेस प्रिया बकुल लिखवाया था। हाँ डॉक्टर, लेकिन अब मैं बकुल से अलग हो चुकी हूँ और इसीलिए अबॉर्शन करा रही हूँ। आई सी। हाँ हेलो, मैं अभी आती हूँ। अच्छा प्रिया जी, ये आप फॉर्म लीजिए और इस पर साइन कर दीजिए और मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। ओके। क्या कर रही हैं आप यहाँ पर? अबॉर्शन, बच्चा गिराना चाहती हैं? हाँ प्रकाश, और तलाक की तरह ये भी मेरा निजी फैसला है। आपका ये फैसला गलत है। प्रकाश, तुम ये बच्चा नहीं गिराओगी प्रिया, सुना तुमने? तुम इस बच्चे को नहीं गिराओगी। और तुम अपने आप को समझती क्या? क्या यही है तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार, तुम्हारी शिक्षा? औरत के नाम पर कलंक क्यों बनना चाहती है तुम ये सब मुझसे कह रहे हो प्रकाश? एक ऐसी औरत से जिससे उसके औरत होने का अधिकार तक छीन लिया गया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम एक होने वाले बच्चे से उसके जीने का अधिकार छीन लो। देखो प्रकाश, मैं बस स्टॉप इट, मेरे साथ चलो। आई सेड मेरे साथ चलो। तुम क्या समझते हो एक फॉर्म फाड़ देने से मैं अपना इरादा बदल दूंगी? ऐसे हजार फॉर्म मिलते हैं हर हॉस्पिटल में, समझे तुम? आप इस फॉर्म पर साइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करूंगी? हाँ, कौन रोकेगा मुझे? मैं आपको रोक। मैडम ये बात, पर आप ये क्यों समझती हैं कि ये सिर्फ बकुल का बच्चा है? ये आपका बच्चा भी तो, और कैसी मां है अपने ही हाथों से अपने बच्चे की हत्या करी। प्रकाश, तुम तो ऐसे बातें करे जैसे तुम मुझसे पहली बार मिले हो। तुम तो सब कुछ जानते हो। हाँ मैडम, मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं आपको भी जानता हूँ। आप मेरी दोस्त, और मेरी दोस्त कभी इतनी कमजोर नहीं हो सकती कि दुनिया की बुराइयों से, उसकी मुसीबतों से, समाज के डर से किसी भी तरह का पाप। आपको अपने इस पहले बच्चे को जन्म देना है, उसे पालना होगा, पोसना होगा, तालीम देनी होगी, हालात से लड़ने के काबिल बनाना होगा। आप अपना रास्ता खोल देना है, मंजिल आपके सामने है, आपके साथ है। अरे लोग तो अपनी मंजिल की तरफ अकेले ही जाने की हिम्मत करते हैं। मेरे रहते हुए अगर आप रास्ते पर कहीं बिखर जाती हैं तो आपसे ज्यादा मुझे अपने आप से नफरत हो जाए कि मेरी दोस्ती के धागे इतने कमजोर थे कि एक बच्चे की जिंदगी को आपके दामन के साथ बांध नहीं सके। इसके बाद भी अगर आप इस बच्चे को गिराने का फैसला बदल नहीं सकते हैं तो यह आपका फैसला, मैं इसमें आपका साथ कभी नहीं दूंगा।